ओके, सो अब जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर अभी मैं लिखूंगा, अभी डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज एंड 3 पॉइंट चार्ज एंड जनरलाइज द इक्वेशन फॉर एन पॉइंट चार्जेस, ठीक है। यानी आपको मैं अभी चीजें समझ आएंगी, मैं लिखता हूँ यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी तक हमने पोटेंशियल निकाला है किसी पॉइंट का, ठीक है। हमने क्या निकाला है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकाला है। जब टर्म एनर्जी आ जाता है, एंड एनर्जी हमेशा किसके फॉर्म में स्टोर होता है, वर्क डन, ठीक है। जो भी आप काम करते हो वो हमेशा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। और जब हम वर्क फाइंड आउट करते हैं, वर्क फाइंड आउट करते हैं, तब वहां पे हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस है, बट एक सिंपल सी चीज ये है कि जब आप किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हो, यानी अभी हमने डेफिनेशन देखा था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ये सब कुछ पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी, बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी, यानी सिंपल सी भाषा में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। देखो, ये सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन किया गया इसको? अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी। एग्जाम्पल से ये चीज समझ आएगी अभी, ठीक है, डेफिनेशन से, ठीक है। डेफिनेशन देखो सिंपल सा, जैसे मुझे इंफिनिटी से कुछ चार्ज लेके आना है। अब इसको समझना जरा, ये पूरी कहानी अच्छे से समझना। अभी यहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मुझे इंफिनिटी से एक चार्ज लेके आना है, क्यू वन, ठीक है। मैं इस चार्ज को जब लेके आऊंगा, तो बच्चा बेटे मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज यहां पहले से कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं है जिसका फील्ड इसके इसको अगेंस्ट जाएगा, मतलब जिसका फील्ड जो है वो इसको अपोज करेगा, जिसका पोटेंशियल इसको अपोज करेगा। ऐसा कोई और चार्ज यहां प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जब हम फर्स्ट चार्ज लेके आएंगे, तो वर्क डन हमारा जीरो होगा। अभी मैं प्रॉपरली डिराइव कराऊंगा, अभी सुन लो, पहले समझ लो। दूसरा, इन्फिनिटी से अब मैं एक और चार्ज लेके आ रहा हूँ, क्यू टू। जब मैं क्यू टू को लेके आऊंगा, सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे लेके आता हूँ मैं, ठीक है। इन्फिनिटी से मैं क्यू टू को यहां लेके आ रहा हूँ। अब इस केस में क्या होगा बच्चा भाभी, कि जब मैं इन्फिनिटी से क्यू टू को लेके आऊंगा ना, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल अब इसे रोकेगा। अभी तक तो इसके लिए तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, बट यहां मुझे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इसका पोटेंशियल इसको रोकेगा, है ना। अपोज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसके इसका पोटेंशियल इसको परेशान करेगा। सेम वे में अगर मुझे एक और चार्ज लेके आना है, तो इन दोनों का पोटेंशियल अब उसे अपोज करेगा। समझ रहे हो? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, पहले वाले को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं कि आपको पता है कि जैसे पहले के टाइम में कैसा था कि बहुत कम टीचर्स होते थे, ठीक है। तो जैसे एक ही ट्यूशन है, ठीक है, तो अगर पहला जो ट्यूशन खुला होगा उसे कोई अपोज करने वाला था, ठीक है, उसे कोई कंपटीशन था? नहीं था। बट वहीं पे जब कोई और टीचर आया होगा मार्केट में, ठीक है, कोई और टीचर आया होगा, तो क्या करेगा? पहला वाला उसे हमेशा अपोज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उसका उसका मार्केट बिगड़ेगा। तो दूसरा वाला दूसरे वाले को हमेशा अपोज करेगा, और ऐसे तीसरा आएगा, तो ये दोनों उसके फील्ड को अपोज करेंगे, ठीक है। तो बच्चे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपोजिशन शुरू होता है। तो जो फर्स्ट आता है ना,
ठीक है, उसको हमेशा बेनिफिट होता है, यानी इसको वर्क कम करना पड़ता है, हमें इसके लिए कोई वर्क नहीं करना था क्योंकि ये किसी के अगेंस्ट नहीं आ रहा था। तो यही हमने बोला है कि हमें जो वर्क करना पड़ता है सारे चार्जेस को उनके लोकेशन पे असेंबल करने के लिए इन्फिनिटी से ला के, देखो Q1 को यहाँ रखना है, Q2 को यहाँ रखना है, Q3 को यहाँ रखना है, Q4 को यहाँ रखना है, तो जब मैं इन्फिनिटी से सारे चार्जेस को ला के इनके लोकेशन पे रख रहा हूँ तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि एक चार्ज आएगा उसके बाद बाकी चार्जेस के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन्फिनिटी से जब मैं लेके आ रहा हूँ तो मुझे इनको असेंबल करने के लिए कुछ इश्यूज फेस होंगे, ठीक है, बट सारा वर्क करना पड़ेगा मुझे। तो जो पूरा वर्क करना पड़ा मुझे इस सिस्टम को इन्फिनिटी से इनके लोकेशंस पे लाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। होप करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, होप करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो डेरिवेशन जो हमें एग्जाम में आएगी, जो हमें लिखनी है, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट फॉर सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज सेकेंड फॉर थ्री सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्ज एंड थर्ड वन इज फॉर एन पॉइंट चार्जेस, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, तो आप जल्दी से ये लिख लीजिए, फिर मैं ये रफ करता हूं, फिर हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप जल्दी से लिख लीजिए इसको। ठीक है, सो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं फॉर सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो कोई इंक ऐसी खराब निकल जाती है ना कि बोर्ड बहुत ज्यादा काला कर देती है, ठीक है, बट ठीक है, वी विल मैनेज। तो ये डेफिनेशन भी रफ कर देता हूं, फिर हम शुरू करते हैं बढ़िया से डेरिवेशन। देखो ध्यान देना सब लोग, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है, अब बहुत ध्यान देना है यहां पे। देखो तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, देखो हम पहला चार्ज Q1 लेके आएंगे एट पॉइंट P1, ठीक है, कहां से लेके आएंगे, इन्फिनिटी से लेके आएंगे, ठीक है, अब इसको जब लेके आएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा, ठीक है, इसको इसके लिए मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा, बट अब मैं इन्फिनिटी से एक और चार्ज लेके आ रहा हूं इस पॉइंट पे P2 पे, ठीक है, यहाँ पे P2 पे, ठीक है, ये Q2 चार्ज है, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बन गया, R12। अब देखो इसका पोटेंशियल इसको अपोज करेगा, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ा, बट सेकेंड वाले के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो लेट The charge Q1 is at rest in space at point P1. It takes no work to bring. डायरेक्टली को इट टेक्स नो वर्क बिकॉज देयर इज नो फील्ड प्रेजेंट टू अपोज इट, ठीक है, देयरफॉर W1 इक्वल टू 0। अब ये लिखने के लिए हमें इतना स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, देखो मैं आपके लिए यही कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जाम में इसी वजह तो बहुत सिंपल लिखा है कि Q1 स्पेस से हम उसको जब इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा बिकॉज वहां पे पहले से कोई फील्ड नहीं थी जो उसे अपोज करे। नाउ अब ध्यान देना, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 at point
एट पॉइंट पी टू एट ए डिस्टेंस आर वन टू कितना होगा, वी वन के क्यू वन अपॉन आर वन टू होगा। हमारा पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो यहां पे क्या होगा, देखो डिस्टेंस कितना है आर वन टू, तो के क्यू वन आर वन टू, इसका इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो के क्यू वन आर वन टू, ये हमारा आया वी वन। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, क्लियर हो रहा है सबको। नाउ वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू टू फ्रॉम इंफिनिटी इंफिनिटी टू पॉइंट पी टू, टू पॉइंट पी टू कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें। वर्क डन हमारा क्या होता है, देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ ना पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यानी वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पे, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना मिला हमें, यानी वी वन इंटू क्यू टू हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू टू है। पोटेंशियल कितना है अपना के क्यू वन अपॉन आर वन टू, और ये कितना आ गया क्यू टू, तो ये बन गया के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू डब्ल्यू टू। ठीक है, एंड एज वी नो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एज वी नो। सो टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, तो जीरो प्लस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू, यानी यही आ गया के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू। ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान देना सब लोग, इतना क्लियर हुआ सबको, क्लियर हो रहा है अच्छे से। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान देना कि हम यहां पे लिख रहे हैं कि वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑब्वियस है ये सिस्टम, ये तो हमें हमेशा से पता है कि एनर्जी होगी तभी वर्क होगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, जो हमारा W है वही U होगा, यानी U इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू, ये एक्सप्रेशन है हमारा फॉर सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज, क्लियर हो रहा है सबको। एक टू पॉइंट का क्वेश्चन आता है, एक थ्री पॉइंट चार्ज का भी पूछते हैं, तो ये हमारा कौन सा हुआ, टू पॉइंट चार्ज, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो एक बार इसे जल्दी से देखो, फिर थ्री पॉइंट चार्ज को इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, इसी के आगे थ्री पॉइंट चार्ज निकालेंगे, तो जल्दी से इसे देखो। ठीक है सर, सबको क्लियर हो गया। अब देखो थ्री पॉइंट चार्ज को मैं यहीं पे ये रफ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इसी के आगे कंटिन्यू करना है। जब आपको थ्री पॉइंट चार्ज भी आएगा ना, तो आपको ये सब तो शो करना ही है। यहाँ तक देखो टू पॉइंट चार्ज और थ्री पॉइंट चार्ज में इतना है कि टू पॉइंट चार्ज में आपको यहाँ तक तो लेके जाना ही है। ठीक है, थ्री पॉइंट चार्ज इसी के आगे कंटिन्यूएशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू निकाल लिया दो चार्ज के लिए। ठीक है, अब तीसरा चार्ज आएगा तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोर्शन को ये तो आपने लिख लिया होगा, इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। तो अब तीन पॉइंट चार्ज का कैसा होगा, देखो पहले से क्यू वन था, ये पूरा रफ कर देते हैं है ना फटाफट। देखो तो थ्री पॉइंट चार्ज के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पे क्यू वन था, ये क्यू टू, ठीक है, इन दोनों के बीच में आर वन टू डिस्टेंस था, अभी हमने देखा पी वन पी टू। अब इन्फिनिटी से एक और चार्ज लेके आ रहे हैं इस पॉइंट पे पी थ्री, ठीक है, ये क्यू थ्री चार्ज है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, देखो ये आर वन टू था, वैसे ये आर वन थ्री, और ये बन गया आर टू थ्री, इस तरीके से। अब होगा क्या, देखो अभी तक क्या था, ये जब आया था तो कोई पोटेंशियल नहीं था, इसके आने में इसका पोटेंशियल लड़ा था, तो हमने ये लगाया था डब्ल्यू टू इक्वल टू वी वन इंटू क्यू टू। अब इसके आने में इन दोनों का पोटेंशियल लड़ेगा है ना, इसकी वजह से पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन कितना होगा आपका, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, वी वन तो हमने ले लिया, हम वी टू ले लेते हैं इसको, तो वी टू कितना हो जाएगा आपका इसकी वजह से, देखो के क्यू वन अपॉन आर वन थ्री, इसकी वजह से कितना हो जाएगा के क्यू वन इस पॉइंट पे, के क्यू वन इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पे कितना होगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू वन, डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट का आर वन थ्री। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू टू, क्यू टू की वजह से कितना हो जाएगा, वी थ्री ले लेते हैं, देखो के क्यू टू इसकी वजह से इस पॉइंट पे अपॉन आर टू थ्री, वी थ्री मिल गया। तो अब टोटल पोटेंशियल कितना हो गया इन दोनों की वजह से इस चार्ज के लिए, वी टू प्लस वी थ्री है ना, यानी के क्यू वन आर वन थ्री प्लस के क्यू टू अपॉन आर वन आर टू थ्री है ना, इन दोनों की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल मिल गया। तो अब इसको वर्क कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू थ्री वर्क डन कितना होगा, देखो हमने देखा यहाँ पे पोटेंशियल इंटू चार्ज है ना, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल कितना अपोज कर रहे हैं, वी टू प्लस वी थ्री, और चार्ज कितना है हमारा क्यू थ्री आ रहा है। तो वी टू कितना है हमारा, ये दोनों को लिख देते हैं इनकी वैल्यू, के क्यू वन अपॉन आर वन थ्री प्लस के क्यू टू अपॉन आर वन आर टू थ्री, और बाहर मल्टीप्लीकेशन में कौन है क्यू थ्री, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन गया, के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री, ये हो गया थर्ड वर्क। ठीक है, सो टोटल वर्क अब कितना हो गया, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री, तो डब्ल्यू वन तो जीरो ही है, डब्ल्यू टू हमारा कितना है के क्यू वन क्यू टू वहाँ पर हमने निकाला हुआ है, आर वन टू प्लस डब्ल्यू थ्री कितना आ गया, ये पूरा एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब सुनो ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सम अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करो, सब में वन टू है तो यहाँ भी वन टू है, वन वन थ्री है तो नीचे भी वन थ्री है, टू थ्री है तो यहाँ भी टू थ्री है, तो और के सब में कॉमन है तो के बाहर ले लेते हैं, यानी वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट समीशन, समीशन लगाएंगे, और यहाँ पे ऑल पेयर्स लिख दो, ऑल पेयर्स। ठीक है, सबके लिए समीशन लगा रहे हो, क्यू आई, ठीक है, क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे है ना, क्यू आई क्यू जे मतलब आई और जे लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑल पेयर्स क्यों लिखा हमने वो समझना जरा, देखो एक चीज और होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ऐसे अगर एन चार्जेस होंगे, ठीक है, एन चार्जेस, तो उसके लिए क्या होगा, अप टू एन चला जाएगा, ठीक है, मतलब एड होते चले जाएगा, ऐसे इसके बाद क्या आएगा, अगर फोर भी आ जाता है तो क्यू वन फोर अपॉन आर वन फोर, क्यू टू फोर आर टू फोर, ऐसे सब बस चलता रहेगा। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, सिस्टम आई की वैल्यू वन ले और जे की वैल्यू टू ले, फिर वहीं पे सिस्टम आई की वैल्यू टू ले ले और जे की वैल्यू वन ले ले, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, ये एक बार क्यू वन क्यू टू आ गया, फिर क्यू टू क्यू वन आ गया, यानी सेम चीज रिपीट होगी, सेम चीज क्या हो जाएगी, बार बार ऐड हो रही है। तो हमें डबल समीशन अवॉइड करने के लिए हमें एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये रफ कर सकता हूँ सेक्शन, इतना तो समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ तक टू पॉइंट चार्ज के लिए जो किया ना वो निकालना है, फिर थ्री पॉइंट चार्ज के लिए हमने इन दोनों का पोटेंशियल निकाल के इंटू कर दिया क्यू थ्री को। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस के लिए लिख पाऊँ। ठीक है, फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्ज, एन पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या होगा, देखो पढ़ना तो पड़ेगा है ना, मुझे पता है ये सारी चीज़ें थोड़ी टफ लगती हैं, ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है और ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है जीवन में, ठीक है, बट पढ़ना पड़ेगा यार। ठीक है, थोड़े दिन की बात है, मैनेज कर लो अच्छे से। हाँ, ये सब डायलॉग मैं नहीं मारूंगा कि कुछ दिन पढ़ लो फिर जीवन अच्छा हो जाएगा, जीवन स्ट्रगल है, आपको हमेशा मेहनत करनी है तभी आप इस कॉम्पिटिशन वाली दुनिया में आप रहोगे, अगर आप मेहनत करना छोड़ दोगे आप तुरंत पीछे हो जाओगे। ठीक है, और कोई भी दिन पिछले दिन से आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ सब बोलने की बातें होती हैं, आपको बस इतना समझना है, आपकी मैच्योरिटी बढ़ती रहनी चाहिए और टफनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ये आगे दिन के दिन दिन पे दिन बढ़ती ही जाएगी। लोग बोलेंगे कि बस ये पढ़ लो, फिर कॉलेज का टेंशन आएगा, फिर उसके बाद जॉब का टेंशन आएगा, बस चलता रहेगा, हमेशा जो बीत गया वो पल अच्छे लगेंगे। ठीक है, अभी आपको ये टफ लग रहा होगा बट इसके बाद की जो जर्नी होगी ना उसके उस वक्त आपको ऐसा फील होगा यार ये पल अच्छे थे, तब फिर उसके बाद वाले जो आएंगे उसके उससे बेटर वो वाले लगेंगे, जैसे अभी बचपन अच्छा लगता। ठीक है, तो ये बस ये लाइफ का एक साइकिल है, आपको समझना है, तो आपको अभी प्रेजेंट को बेटर बनाना है, बाकी सब जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी नहीं होना है।
ठीक है, और 12 12 14 14 16 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स होकर अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते हो ना 3 घंटे 4 घंटे, तो वो हो जाता है। और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा लेगा अगर आपकी सेल्फ स्टडी नहीं होगी ना तो आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फॉर सिस्टम ऑफ एंड पॉइंट चार्जेस पे आ जाते हैं, ठीक है। मन में बोले सर ज्ञान मत दो, एंड पॉइंट चार्जेस दो, ठीक है। देखो एंड पॉइंट चार्जेस के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज यहाँ पे अप टू एन चला जाएगा, फिर यही एक्सप्रेशन में लिखने वाला हूँ, बस मैं सिर्फ आप लोगों को शो कर रहा हूँ। ये बाहर ले लिया, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, अब तो ऐसे ही बस चलता रहेगा, इसमें लिखना क्या है। तो ये सेम एक्सप्रेशन, बस मुझे वो 1/2 वाला फैक्टर एड ऑन करना था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि वर्क डन कितना हो गया, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट समिशन QY QJ अपॉन RI जे ऑल पेयर्स, जितने भी पेयर्स है सबको नंबरिंग देनी है 1 2। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टू अवॉइड डबल समेशन फैक्टर 1/2 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, यानी हाफ कर देंगे ना। देखो ये डबल डबल काउंटिंग हो रही है, मैंने बताया ना, अगर ये 1 डाल रहे हो ये 2 डाल रहे हो तो ये 1 2 हो गया, फिर इसको 2 डाल रहे हो इसको 1 डाल रहे हो तो ये 2 1 हो गया। तो ये डबल काउंटिंग ना हो, एक ही बार काउंट, इसलिए हम हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी टोटल हो जाएगा ये हाफ ऑफ 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। गलती मत करना है ना, ये 1 ये जेई में भी पूछ सकता है फाइनल एक्सप्रेशन में, 3 पॉइंट चार्जेस के लिए हाफ भी देगा 1/3 भी देगा और डायरेक्ट ऐसा भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, एंड में हाफ वाला ध्यान देना, ठीक है। ये 1/8 हो जाता है, क्लियर हो रहा है सबको। सो ये है आपका 3 पॉइंट चार्जेस या एंड पॉइंट चार्जेस के लिए, सबके लिए समराइज कर दिया मैंने, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और लास्ट आपको लिखना हो अगर एन के लिए, ये होगा Q1 Qn अपॉन R1n, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस बन सकती हैं, ठीक, बट क्लियर हुआ सबको, इसमें कोई दिक्कत है होप्सो नहीं होगी, क्योंकि हमने 2 पॉइंट चार्ज कर लिया, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम कर लिया। डायग्राम बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान था, जब Q1 चार्ज लेके आए कोई वर्क नहीं करना पड़ा, Q2 लेके आए तो Q1 का पोटेंशियल लड़ेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, उसको उस पोटेंशियल को इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां का वर्क आ गया। जब तीसरा चार्ज लेके आए तो इसका पोटेंशियल भी और इसका पोटेंशियल भी, दोनों का पोटेंशियल परेशान करेगा, तो दोनों का पोटेंशियल इस पॉइंट पे जितना है उसको इंटू कर दिया इस चार्ज से, तो हमें वहां का वर्क मिल गया, फिर तीनों वर्क को एड ऑन कर दिया, क्लियर हुआ सबको। तो ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको करना है। सो होप सो क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है, मजा आ रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप कॉपी कीजिए, समझ के लिखिएगा।